अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास क्लाइंट हंटिंग के बारे में है। आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन फील्ड से, आप चाहे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपको हमेशा क्लाइंट हंटिंग आनी चाहिए। क्लाइंट हंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑनलाइन फील्ड में बहुत कामयाब करती है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। जी, आज की हमारी क्लास क्लाइंट हंटिंग के बारे में है और हम आज डिस्कस करेंगे कि आप अगर कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड, तो क्लाइंट हंटिंग किस तरह की जाए। ऑब्वियसली जब हम कोई स्किल सीख लेते हैं तो हमें सबसे पहली चीज स्किल सीखने के बाद क्लाइंट हंटिंग आनी चाहिए। जब आपने स्किल सीख ली, आपने किसी को बेचनी भी तो है ना वो स्किल। ऐसे तो नहीं है कि आप विदाउट एनी क्लाइंट आप वो स्किल कहाँ यूज करोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना बिजनेस कर लेंगे, अगर पैसे नहीं है। मोस्टली लोग जब कोई स्किल सीखते हैं तो वो सबसे पहले चाहते हैं कि हमें कोई क्लाइंट्स मिले। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्लाइंट हंटिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस वे से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। आज जो मैं सिखाने वाली हूँ, मैं आपको सिंपल वे में फेसबुक के थ्रू क्लाइंट हंटिंग सिखाऊंगी। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें फाइवर है, अपवर्क है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप क्लाइंट हंटिंग करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं और क्लाइंट हंटिंग करते हैं। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे हम फेसबुक के थ्रू करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ईजी वे है। सबसे पहले हम फेसबुक पेज पे जाएंगे। आपने सबसे पहले तो अपना एक पेज क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मैं ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड काम करती हूँ, तो मेरा अमेजोन से रिलेटेड ज्यादातर काम है। मैंने उसके रिलेटेड अपना एक पेज बनाया है जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन मेरे पेज का नाम है और मैं इस पे जितने भी अपने पोस्ट होती हैं वो शेयर करती हूँ। और अगर हमें एड रन करने होते हैं तो हम इस तरह से एड रन करते हैं और क्लाइंट हंटिंग करते हैं। आपने भी सबसे पहले अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं ऑनलाइन फील्ड में, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तब भी आपने एक पेज क्रिएट करना है जिसमें आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड सारा डाटा लिखना है। अपना नंबर लिखना है, अपना डाटा, अपना एक्सपीरियंस, अपने सब चीजें लिखनी है। ओके, इस तरह से आपने अपना एक प्रॉपर पेज क्रिएट करना है जिसमें आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भी अटैच करना है, अपनी अगर बिजनेस ईमेल है तो ईमेल अटैच करें ताकि ज्यादा प्रोफेशनल लगे आपका पेज और आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को ग्रैब करें। अच्छा जी, फेसबुक पेज आपने क्रिएट कर लिया। आज मैं आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना तो नहीं सिखाऊंगी, बस मैं आपको मेन मेन चीजें बताऊंगी कि फेसबुक पेज आपने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहली जो चीज है ना वो है पोस्ट क्रिएशन। जब आपने कोई क्लाइंट हंट करना है तो उसको आप कैसे बताएंगे कि आपको क्या काम आता है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल वे में पोस्ट क्रिएट करनी आनी चाहिए जिसके लिए हम कैनवा को यूज करते हैं। मेन पेज पे आपने आ जाना है। इस वक्त ये फ्री वर्जन ही है। जब आप अपनी ईमेल इसे अटैच करेंगे गूगल ईमेल तो आपको भी इस तरह का फ्री एक कैनवा का वर्जन मिलेगा। अच्छा जी, आप दो जगह से सर्च कर सकते हैं इसको। ये जो सेंटर में आपको सर्च बार मिलता है यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं और सबसे ऊपर आपको मिलता है जी क्रिएटर डिजाइन। आप क्रिएटर डिजाइन पे भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। देखें, फेसबुक कवर, फेसबुक पोस्ट, हम फेसबुक पोस्ट को क्लिक करेंगे। फेसबुक पोस्ट का जितना साइज होता है ना स्टैंडर्ड साइज, उतने साइज की एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने अपनी पोस्ट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। जिस भी तरह का आप टेम्पलेट चाहते हैं आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी होता है कैनवा को यूज करना। अगर आपको कैनवा यूज करना आ जाता है तो ये आपको बहुत हेल्प देता है। आप किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हैं अगर ऑनलाइन फील्ड से, तो आपको कैनवा लाजमी आना चाहिए क्योंकि कैनवा के थ्रू आप अपनी स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं, उसको और प्रमोट कर सकते हैं, तो आपको फ्री में बहुत हेल्प मिलती है।
अच्छा जी, एक टेम्पलेट ओपन हो गया है, ये सिंपल टेम्पलेट है, ब्लैंक टेम्पलेट है। आपने डिजाइन में सबसे लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है डिजाइन। आपने जो भी आपकी फील्ड है, अब लाइक अगर मेरा बिजनेस रिलेटेड काम है तो मैं बिजनेस लिख के सर्च करूंगी। अब यहाँ बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे मल्टीपल। अब जो आपको लगे कि आपकी फील्ड के हिसाब से ठीक है और आपको पसंद आ रहा है, आप वो टेम्पलेट ले लें और उसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग एक पोस्ट क्रिएट कर लें। फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें प्रो वर्जन भी हैं बट वो पेड होते हैं। तो अभी हम फ्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम फ्री वाला कोई टेम्पलेट ले लें और उसी को एडिट कर लें। ठीक है, अब देखें, एक ये टेम्पलेट है, प्रोफेशनल टेम्पलेट है ये। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जाके यहाँ पर एडिट कर लेना है। ये मैं आपको बहुत बेसिक सिखा रही हूँ, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस जो डिजाइन है आपने इसको बस एडिट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड से रिलेटेड। आपने जो भी आपकी फील्ड है, लाइक मैं वर्चुअल असिस्टेंट का वर्क करती हूँ तो हम यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट लिख देंगे। इधर जो भी लाइंस लिखी हैं अगर आपको ठीक लगती हैं तो उनको रहने दें, वरना अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपको सूट करता है आप वो लिख दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, अपने जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लिख दें। यहाँ पर पिक्चर में अपनी पिक्चर एडिट कर दें, जो आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या आप यही रहने देना चाहते हैं तो आप यही रहने दें। अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, अपनी ईमेल दे दें, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो लिख दें। इस तरह से एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक पोस्ट क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने के लिए प्रॉपर एक पोस्ट क्रिएट करके फेसबुक पे शेयर की भी है। ठीक है, सबसे नंबर वन हमने पोस्ट क्रिएट करनी है और मैं आपको दिखा देती हूँ फेसबुक पे। देखें, ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है, ये भी मैंने सिंपल फ्री टेम्पलेट के थ्रू की है और ये सिंपल सा डिजाइन है। इसमें कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने अपनी जो मेरा काम है, जो मैं टास्क परफॉर्म करती हूँ या मैं जो सर्विसेज देती हूँ, मैंने जस्ट उसको एडिट कर दिया है। यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर दी है, ऑब्वियसली मैं अपनी पिक्चर ऐड नहीं कर सकती हूँ तो मैंने एक मॉडल की पिक्चर ऐड कर दी है जो मेरी फील्ड से कनेक्टेड थी, रिलेटेड थी, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक पोस्ट, अब मैंने पिक्चर प्रिपेयर कर ली है, अब हम इसमें जो डाटा लिखेंगे वो प्रोफेशनल होना चाहिए। और आप कहाँ से लिखेंगे, सबसे पहली चीज अब बहुत इजी हो गया है चैट जीपीटी के थ्रू कि आप इजीली कुछ भी लिखवा सकते हैं। आपने सबसे पहले फेसबुक पोस्ट के लिए पिक्चर इमेज बना ली, ठीक है, इमेज एडिट कर ली आपने कैनवा पे। उसके बाद आपने अब एक पोस्ट लिखवानी है, ऑब्वियसली आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए एक पोस्ट, उसके लिए हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है और चैट जीपीटी पे एक कमांड देनी है, उसको बताना है कि किस तरह का आपको पोस्ट चाहिए फेसबुक के लिए और आपका एक्सपीरियंस क्या है, अपने वर्किंग रिलेटेड आपने कुछ डाटा दे देना है। चैट जीपीटी एक अच्छी सी पोस्ट आपको क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, अब ये पोस्ट हमने क्रिएट कर लिया है चैट जीपीटी के थ्रू। हमने इसको कॉपी करना है और फेसबुक पे जो हमने कैनवा पे एक इमेज क्रिएट की है, पोस्ट क्रिएट की है, उसके साथ आपने एक अच्छी सी पोस्ट बना के लगा देनी है। ठीक है, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए ताकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो उनको देख के उनको लगे कि बहुत आपको काम आता है और आप बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। ठीक है, हर चीज में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ताकि आपको वो आपका काम खुद बताए कि आपको काम करना आता है। अच्छा जी, अब हमने मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट बना के लगाई हुई है आपके लिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे जो मेन काम है ना हमारा क्लाइंट हंटिंग में, वो है एड्स रन करना, जो आपको बहुत फायदा देता है क्लाइंट हंटिंग में।
अब सबसे पहले जब आपने पोस्ट लगा दी तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है, बूस्ट पोस्ट का बटन नजर आएगा आपको, ठीक है। बूस्ट पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले तो इस पेज में आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपका एड है वो आपका गोल क्या है, आप क्यों लगाना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपके एड में क्या हो, ठीक है। आपने देख लेना है। सबसे पहले तो आपका एड जिस तरह का दिखेगा फेसबुक पे वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि इस तरह से आपका एड नजर आएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना गोल चेंज करना है। देखिए ऑटोमेटिक लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है और हमें क्लाइंट से डील करना है, उनसे बातचीत करनी है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स हमसे मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट करें, फेसबुक मैसेज, इंस्टा और व्हाट्सएप, जिस भी थ्रू आप चाहते हैं वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा टारगेट है गेट मोर मैसेजेस, ओके। बाकी भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गेट मोर एंगेजमेंट हो, आपकी जो पोस्ट है उस पर ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा कमेंट्स आए, लोग रिएक्ट करें, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी कस्टमर आपके बढ़े तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर का मोस्टली वो लोग सेलेक्ट करते हैं जिनका ऑनलाइन बिजनेस होता है, जो कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। हमारे काम से रिलेटेड ज्यादातर, क्योंकि हमने फ्रीलांसिंग स्किल्स प्रमोट करनी है, उनको सेल करना है, तो हमारे लिए गेट मोर मैसेजेस वाला ऑप्शन है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे कॉल के थ्रू रब्ता करें तो फिर आप गेट मोर कॉल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमने गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक किया एंड सेव। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैसेज लिखा हुआ होता है। अगर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इस टेम्पलेट को सेट करना तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपना नंबर ऐड कर सकते हैं इसमें, अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर लिखा हो, जो कॉन्टेक्ट आप चाहते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स लिखवाना चाहते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपने फेसबुक अपना मैसेंजर अटैच किया हुआ है, इंस्टाग्राम अगर आप अटैच करना चाहते हैं वो कर लें, एंड व्हाट्सएप सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, आपका व्हाट्सएप नंबर भी आपके फेसबुक पेज पर अटैच होना चाहिए ताकि लोग आपसे व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता कर सकें, ठीक है। अभी मेरे सब ऑप्शन क्लिक है, मैंने जो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने इसे अटैच नहीं किया हुआ तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। उसके बाद आता है ऑडियंस, आप उसको एडिट करें। सबसे पहले लिखा आता है जी आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मैन को आपका दिखे एड, आप एड सिर्फ आदमियों को शो हो तो मैन को कर लें, अगर आप चाहते हैं सिर्फ फीमेल्स को शो हो तो वुमेन पे क्लिक कर लें, अगर आप दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कर लें, ठीक है। हम ऑल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी हमसे रब्ता कर ले। उसके बाद आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि किस एज के लोग ज्यादातर आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, ज्यादातर लोग किस एज में बिजनेस करते हैं, किन लोगों को ज्यादातर जरूरत होती है आपकी फील्ड से रिलेटेड टास्क करवाने की, उनको स्किल्स चाहिए होती हैं, क्या सर्विसेज कोई उनके लिए प्रोवाइड करे, तो आप एज भी रख सकते हैं, 18 to 65 भी ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट है जी लोकेशन। देखिए आप जिस भी कंट्री में चाहते हैं आपका एड रन हो वहां पे आप एड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएसए में रन करना चाहते हैं आप यूएसए में कर सकते हैं, यूके में, जहां पे भी आप चाहते हैं। अभी हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपने सिटीज सेलेक्ट करनी है जहां जहां आप चाहते हैं आपका एड शो हो।
लाहौर सेलेक्ट किया है, देन हम कराची सेलेक्ट कर लेते हैं। और भी कोई सिटी है जहां पर आप चाहते हैं कि आपका ऐड शो हो तो आप उसको रन कर सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज में अपना ऐड चला सकते हैं, एट द टाइम आप एक ही कंट्री में चला सकते हैं। मतलब अगर आप यूएसए में चलाएंगे तो आप यूएसए के डिफरेंट सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, बट आप मल्टीपल कंट्रीज में नहीं चला सकते। ठीक है, इस बात को आपने दिमाग में रखना है, एक वक्त में आपने एक ही कंट्री में अपना ऐड रन करना है। उसके बाद आप कीवर्ड्स लिखते हैं यहाँ पे, टारगेटेड ऑडियंस आप क्या चाहते हैं कि किस तरह के लोग आए, जिनका इंटरेस्ट किस टाइप के। मतलब अगर मेरा फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए करती हूँ तो हम अमेजोन को टारगेट करेंगे, कीवर्ड अमेजोन। अगर आपको कीवर्ड समझ नहीं आता तो आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स उन्होंने सजेस्ट भी किए होंगे, आप वो भी रख सकते हैं। ओके, इस तरह आप मल्टीपल कीवर्ड रख के लास्ट में इसको सेव करते हैं, सेव ऑडियंस। उसके बाद आप जितने दिन अपना एड रन करना चाहते हैं आप उतने दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम 4 दिन मिनिमम है, 4 डेज मिनिमम है। आप 4 डेज में उससे कम एड नहीं रन कर सकते, आप 4 डेज से ज्यादा जितने भी दिन चाहें उतने दिन एड रन कर सकते हैं। ओके, अभी मैं मिनिमम 4 डेज रख रही हूँ, और इसमें वो हमें बता रहे हैं कि अगर आप 4 डेज रखते हैं और इतने पैसे स्पेंड करते हैं, मतलब अगर आप अपना बजट 4,739 रखते हैं तो 14,000 to 41,000 लोग जो हैं, इन लोगों को आपका एड शो हो सकता है, और जिसमें से 6 to 16 रिप्लाईज आ सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड होता है, 100% नहीं होता, इससे ज्यादा आ जाते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम एड रन कर रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा बजट पे नहीं रन करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने कम बजट से स्टार्ट करना है। ओके, मिनिमम बजट आप वैसे तो आप 1,000 भी रख सकते हैं, बट आपने देखना है आप मिनिमम रख लें जितना यहाँ पर अलाउ करता है ये, और जिसमें ये बता रहे हैं कि इतने आ जाएंगे आपको रिप्लाइज, तो उतना रख लें। ओके, मैं यहाँ 2,000 रख रही हूँ मिनिमम बजट, मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, मेरा टोटल बजट जो है वो 2,000 है। एंड लास्ट में आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, अपना कार्ड जो भी आपके पास हो आपने उसको अटैच कर देना है यहाँ से पेमेंट मेथड में, एंड लास्ट में आपने अपना ऐड को पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए इन रिव्यू चला जाएगा, मे बी 1 or 2 hours और अप टू 6 to 12 hours। आपको मैक्सिमम 10-12 घंटे, आप बहुत अगर आप बहुत ज्यादा कहते हैं 10-12 घंटे समझ लें, वैसे तो 2-3 घंटे में या 1 घंटे में ही ऐड एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आपने पब्लिश कर दिया और यहाँ पे इन रिव्यू चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये एक्टिव हो जाएगा और फिर आपको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कोई आपका ऐड जिस जिसको शो होगा वो आपको अप्रोच करेंगे, फिर आपने डील करनी है उनसे। ओके, तो ये तरीका ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी इससे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड हमें सपोर्ट करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।